हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद तथा पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 के पिछले पीरियड में हमारे कुछ सवाल बाकी रह गए थे, उसे हम इस पीरियड में पूरा करने वाले हैं। चलिए उसको हल करते हैं। सवाल क्या है पहले देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। आपको इस सवाल में ये बताया गया है कि जो बहुपद आपका दिया गया है, उस बहुपद में आपको जो x की कीमत दी गई है वह रखना है। यदि रखने के बाद आपका बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो ये इसके संगत बहुपद के शून्यक हैं, ऐसा कहा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1/3 लेने पर, इसलिए -1/3 इक्वल टू 3 -1/3 प्लस 1 बराबर, देखिए ये 3 और ये 3 दोनों में भाग हो रहा है, ये -1 ये +1 बराबर 0। 0 आ गया, 0 आ गया मतलब ये क्या है, दिए गए जो मान है इस बहुपद के संगत बहुपद के शून्यक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर -1/3 यह px का संगत शून्यक है। ठीक है, संगत शून्यक शून्यक है। संगत शून्यक कब होगा, तो आपको याद रखना है कि संगत शून्यक तभी होगा जब px का मान आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 0 आ गया मतलब ये इसके ये जो मान है इसका संगत शून्यक है। नेक्स्ट एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। p ऑफ x इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, जहां x बराबर -m/l लेना है। तो यहां पे हम लिखेंगे x बराबर -m/l लेने पर, इसलिए p ऑफ -m/l इक्वल टू l -m/l प्लस m। देखिए ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, बराबर -m प्लस m कट गया बराबर 0। तो आप क्या लिखेंगे, संगत शून्यक है, संगत शून्यक है। ठीक है, ओके। तो रही बात ये कि हम इस कंडीशन से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो दिए गए मान हैं इस बहुपद के संगत शून्यक है कि नहीं है। तो कंडीशन आपको यही याद रखनी है कि बहुपद के संगत शून्यक तभी होंगे जब px का मान वह मान रखने पे 0 हो जाता है। तो ओके, चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। अब बहुपद का शून्यक ज्ञात कैसे किया जाए, तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए जो पी एक्स होता है उसको पहले तो 0 के बराबर रखा जाता है। पी एक्स को हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, इसलिए x प्लस 5 इक्वल टू 0। पी एक्स का मान जो है उसको 0 के बराबर, इसलिए x बराबर -5। तो इस बहुपद का शून्य क्या आ गया, x बराबर -5। मतलब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए आपको सर्वप्रथम px को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, फिर उस px का जो मान है उसको 0 के बराबर लेना है, बाद में उसको सॉल्व करके x का जो मान आएगा वही बहुपद का शून्य कहलाएगा।
फिर दूसरा सवाल है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, इसमें भी सेम वैसा ही करेंगे, पी एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे जीरो, इसलिए पी एक्स की वैल्यू फिर यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स बराबर फाइव, एक्स बराबर जो फाइव है वह हमारा बहुपद का क्या हो गया शून्य हो गया। ठीक है ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिए हैं उसको भी देखते हैं हम लोग। तो आगे का जो एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। यहाँ पे पहला काम हमारा क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या रखेंगे जीरो, फिर थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, अब यहाँ से x का जो मान है वो निकाला जाएगा, तो तीन एक्स बराबर दो, क्योंकि माइनस का है तो उस साइड जाके प्लस का दो हो जाएगा, इसलिए x बराबर दो बटे तीन, तो बहुपद का शून्य क्या आ गया दो बटे तीन आ गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, पी एक्स बराबर हम क्या लेंगे जीरो लेंगे, इसलिए 2x प्लस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, इसलिए 2x बराबर माइनस फाइव, इसलिए x बराबर माइनस फाइव बटे दो, ये हो गया आपका बहुपद का शून्य। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में यह चीज देखी कि कोई शून्यक दिया गया है तो वह उस बहुपद का शून्यक कब बनेगा, वो कंडीशन हमने चेक कर लिया। दूसरा और क्या देखा, हमने ये देखा 2.2 में दूसरे सवालों में कि बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना कवर करने वाले थे, तो हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है। हमारा 2.2 जो है यहाँ पे उसके सवालों को हमने देखे हैं, उसको कंप्लीट किए हैं। अब आगे के लेक्चर में, आगे के पीरियड में हम आगे के सवालों को हल करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं, थैंक यू।